हेलो गाइस, वेलकम आपका हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में क्रिएट करने वाले एक न्यू लोगो डिजाइन, बहुत अमेजिंग डिजाइन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके कर दीजिए ऑल पर एंड वीडियो कर दो लाइक। तो जो हमारा लोगो है उसको आपने अगर प्रैक्टिस के तौर पर अगर रेडी करने की कोशिश भी की तो आप ग्रेडियंट को फिल करना सीख चुके होंगे, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि किस तरीके से रोटेट टूल को इस्तेमाल करते हैं वो भी आप सीख गए होंगे। बहुत सारी चीजें जो आप सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, फोकस रखिएगा वीडियो पर, स्टार्ट करते हैं। ये आपको सबसे पहले एलिप्स टूल लेना है, शॉर्टकट की जो एल होता है। तो ये रहा हमारे पास सिंपली इलिप्स टूल, ठीक। ये एक सर्कल क्रिएट कर दिया हमने, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक। एंड इसकी डुप्लीकेट लेना, डुप्लीकेट ले लेंगे इस तरीके से, इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पर सर्कल के एकदम बाउंड्री पर रखा। देखिए, देख रहे हैं, यहां पर हमको रिलीज कर देना कुछ इस तरीके से। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट शिफ्ट एम से बिल्ड टूल, चेक। एंड जो ये बाहर का पोर्शन है हमारा, इसको हम ऑल्ट प्रेस करके रिमूव कर देंगे कुछ इस तरीके से, चेक। हमको बस ये चाहिए था सेंटर का, चेक। तो ये हमें मिल गया। अब इसे करते हैं सेलेक्ट एंड कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट पी, कॉपी पेस्ट इन प्लेस एंड कुछ इस तरीके से कर देना, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। एंड छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है एंड इसको यहां ऊपर टॉप पर इसके साथ जॉइन करना है कुछ इस तरीके से। और ऊपर से यहां पर जॉइन कर देना, फिर आपको ऊपर टॉप पे जॉइन कर दिया एंड नीचे वाले को इस तरह थोड़ा खींच कर यहां पर ज्वाइन करना है एंड यहां से ऑल्ट प्रेस करके रखना है एंड कुछ इस तरीके से यहां पर अटैच कर देना। हल्का सा जूम करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका डिजाइन होगा, कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है रेडी, ठीक। सिंपल इस तरीके से रेडी कर लेना है आपको। फिर आपको क्या करना है, देखिए, सेलेक्ट कंट्रोल जी ग्रुप, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया हमने इसको, ठीक। एंड अब लेंगे हम रोटेट टूल एंड यहां इस पॉइंट पर आएंगे। इस पॉइंट पर आने के बाद ऑल्ट प्रेस करके तीस डिग्री रोटेट, कॉपी कुछ उस तरीके से, वी प्रेस एंड एक बार और सेलेक्ट करेंगे इस लेयर को, रोटेट टूल, फिर दोबारा उसी पॉइंट पर ऑल्ट प्रेस, आपकी बार -30, कॉपी, ठीक, वी प्रेस करेंगे एंड ये देखिए, ये हमारा हो गया ग्राफ, डायग्राम रेडी हो चुका है। अब डायग्राम के साथ हमें अपना लोगो बाहर निकालना है। तो ये देखिए कितना, भी तो कुछ आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, ये जरा अभी से बिल्डर टूल यूज करता हूं तब पता लगेगा आपको। तो देखिए क्या करना है, ऑल सेलेक्ट करेंगे हम, शिफ्ट एम एंड शिफ्ट एक्स, ठीक। मास्क इन्वर्ट हो चुका है एंड मास्क इन्वर्ट होने के बाद क्या करना है वो देख लीजिए, इसको सेलेक्ट एंड इसको
एंड यहां पे इसको पूरा कर लेंगे। ठीक, यहां पर जूम करेंगे, यहां तक फिल कर लेंगे। ठीक, यहां तक कर दिया ये। एंड अब क्या करना है, इस जो नीचे वाला जो ये है इसको पूरा कर देंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे। ठीक है, एंड इसकी जो ऊपर वाली जो लेयर है इनको आपस में मिला देंगे कुछ इस तरीके से, एंड इसको भी इस तरीके से मिला देंगे। तो सॉरी, इसको यहां पे ऐसे कर देंगे, यहां पे इस लेयर को इसके साथ रखना है यहां तक। इसको मिला देंगे इसके साथ, एंड इसको भी इसके साथ। ये हो गया, एंड इसको हो गया। अब जूम करके जरा क्लियरिटी देख लेते हैं इसकी। तो यहां पर देखिए इस तरीके से, ये सब आपको ही फाइनल करना है। ठीक, और भी देख लेंगे कहीं पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो तो उसको फिल करना होगा आपको, नहीं तो आपके लोगो में डिफेक्ट आ जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कंट्रोल प्रेस करिए एंड स्पेस बार, थोड़ा सा इस तरीके से जूम। देखिए अभी यहाँ पे देखिए डिफेक्ट मिल गया मेरे को, तो ये चलते हैं यहाँ पे जूम एंड इस लेयर को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये छोटी छोटी कमी है, आप देखिए पूरा परफेक्ट लग रहा है। सो रेडी है, लाइन से बाहर निकालते हैं अब इसको, बी प्रेस करेंगे एंड ये देखिए, एंड जो इसकी स्ट्रोक है उसको व्हाइट कर देंगे ताकि हम अपनी लेयर को सेलेक्ट कर सकें। इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे आप, नहीं तो लेयर अपनी भूल सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट। ये देखिए लाइन से बाहर आ चुका है। ठीक, तो ये हमारा लाइन से आ चुका है बाहर। अब जो इसकी स्ट्रोक है उसको डाउन कर देंगे, जीरो। एंड अब इसमें करना है ग्रेडियंट। तो सिंपल एक एक को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने पहले इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड इसको सिलेक्ट कर लिया एंड इसको सिलेक्ट कर लिया। ग्रेडियंट में जाएंगे, यहाँ पे पहले एक ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा।
तो स्काई ब्लू कलर लेंगे एंड डार्क ब्लू, जी प्रेस करके इसको इसमें फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से। फाइनली ये रहा आपका कलरफुल लोगो डिजाइन। देखिए अभी एक चीज और करनी है, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके एंड यहां से इसको कुछ इस तरीके से छोटा करेंगे हल्का सा एंड यहां पर रख देंगे एंड सेंड बैक। रिफ्लेक्ट वर्टिकल में कॉपी पेस्ट आईड्रॉपर टूल, तो रेडी हो चुका है लोगो का जो फुल डिजाइन है एंड वी प्रेस करके इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर देंगे इसको। तो ये रहा आपका डिजाइन जो एक फ्लावर लोगो है। तो इसे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे टूल का इस्तेमाल हुआ है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस करो एंड क्रिएटिव माइंड बनाओ, अपने पास भी रहना चाहिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी ऐसी वीडियो आपको अगर देखनी है तो। बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम तिवारी क्रिएशन।